क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का क्वेश्चन नंबर 1 का भी हमें दिया है। राइट अ नोट ऑन काउंट कैमिलो डी क्लेव। तो इनके ऊपर हमें एक नोट लिखना है। तो देखो इन्होंने क्या किया था वो हमें बताना है। तो पहले मैं आपको एक ब्रॉड डिस्कशन बता देता हूँ कि क्या हुआ था और इन्होंने क्यों किया ये सब। तो पहले देखो, जब इटली को हम मॉडिफाई कर रहे थे, हम नहीं मतलब उधर के जो किंग थे, वो क्या सोचे हम मेरा नेशन जो है वो बिखरा पड़ा है। तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि अब हम लोग का नेशन एक हो जाए, तो क्या हो जाए, वो नेशन स्टेट बन जाए। मतलब हम लोग को एक नेशन स्टेट बनाना। नेशन स्टेट मतलब कि इटली जैसे अभी हमारी इंडिया है, तो इंडिया के क्या है एक पर्टिकुलर बाउंड्री है कि इधर तक इंडिया है। अब इटली क्या है, इटली में इस टाइम में देखो इटली भी अभी क्या हो गया, उनके पास पर्टिकुलर बाउंड्री है। लेकिन हम लोग क्या बात करें 1850 की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम देखो क्या हुआ था, तो उस टाइम जो उधर के राजा थे, कहाँ के राजा थे, सार्दिनिया पीडीमोंट के। वो कहाँ है, इस एरिया में देखो, ये जो एरिया है वो सार्दिनिया पीडीमोंट है, ये भी इटली का एक पार्ट है। तो उधर जो किंग थे उन्होंने बोला कि अब हमें अपना जो मतलब इटली है उसको एक पूरा इटली बनाना है, उसको एक नेशन स्टेट बनाना है। तो उन्होंने क्या किया, उधर उन्होंने चीफ मिनिस्टर जो थे उधर के, कौन थे चीफ मिनिस्टर, अब इधर से हम लोग का आंसर स्टार्ट होगा, कैमिलो डी क्लेवर। तो ये थे उधर के चीफ मिनिस्टर। तो उन्होंने क्या किया था, उनके ऊपर काम सौंप दिया था। तो उन्होंने उनके ऊपर जब काम सौंप दिया तो अब ये सब किसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि इटली को नेशन स्टेट बनाना है, कैमिलो डी क्लेव के ऊपर। तो अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट देखो, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्दिनिया पीडीमोंट स्टेट। तो ठीक है, हमें पता है कि वो सार्दिनिया पीडीमोंट के एक चीफ मिनिस्टर हैं। साथ ही साथ ही लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रिलीजियंस ऑफ इटली। तो अब मैं आपको दूसरे मैप, मतलब इटली का एक दूसरा मैप है, उसके साथ समझाता हूँ उन्होंने क्या किया था। सेम वही डायग्राम है, इटली में क्या थे, चार पार्ट्स डिवाइड किए थे। मतलब इटली के, इटली है जो स्टेट वो क्या बिखरी पड़ी है, अलग अलग किंगडम्स की, जो अलग अलग किंगडम्स में अलग अलग रूलर रूल कर रहे हैं उन्हें। तो जैसे देखो नॉर्दर्न एरिया में क्या कर रहे हैं, हैब्सबर्ग रूल कर रहे हैं, और मिडल में कोई और रूल कर रहा है, और साथ ही साथ किंगडम ऑफ टू इन्हें बोला जाता है, इधर कोई और रूल कर रहा है, और ये सार्दिनिया पीडीमोंट है। तो क्या चार अलग अलग किंगडम्स थे, उधर अलग अलग रूलर्स रूल कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था, अब उन्होंने पहले कैप्चर करना स्टार्ट किया, पहले सोचा कि पहले मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ क्या। हाँ, तो फिर देखो नॉर्दर्न ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, तो इधर उन्होंने क्या किया, अब आगे पढ़ेंगे, पहले हम लोग को पॉइंट ख़त्म करने। तो ही लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रिलीजन ऑफ इटली। तो उन्होंने क्या किया, मूवमेंट रचा ताकि क्या हो जाए, इटली को एक नेशन स्टेट बना दिया जाए। ही वॉज नाइदर रिवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट्स। तो वो एक रिवोल्यूशनरी भी नहीं थे और एक डेमोक्रेट भी नहीं थे, वो तो क्या कर रहे थे, उधर के जो किंग थे उनकी ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। तो ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर दैन ही डिड इटालियन। तो मतलब ये क्या करते थे, ये फ्रेंच अच्छा बोलते थे। फ्रेंच किस सेंस में अच्छा बोलते थे, देखो इटालियन में ये पैदा हुए कुछ भी हुआ, लेकिन ये फ्रेंच बहुत अच्छा बोलते थे, फ्रेंच ज़्यादा अच्छा बोलते थे इटालियन से, ये हमें बताया गया है। उसके साथ साथ ही इंजीनियर अ केयरफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस विद द हेल्प ऑफ सार्दिनिया पीडीमोंट सक्सीड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्स इन 1859। तो अब इस पॉइंट से हमें क्या समझता है, देखो उनका एक तो फ्रांस के साथ रिश्ता अच्छा था, मतलब कि उन्होंने क्या किया था, फ्रांस को अपना दोस्त जैसा बना के रखा था। तो फ्रांस की आर्मी को उन्होंने क्या किया, अपने साथ बोला, फ्रांस में गए, उन्होंने क्या बोला उधर के किंग को, बोला कि हम लोग को थोड़ी आर्मी दे दो। तो आर्मी उधर की फ्रांस की भी ली और क्या किए, जाके हमला कर दिया किधर, नॉर्थ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग में। तो क्योंकि उन्हें क्या करना था, अपना इटली को एक नेशन स्टेट बनाना था, मतलब कि उसकी पर्टिकुलर लैंड बाउंड्री होनी चाहिए। तो उधर हमला कर दिया और वो जीत गए। तो क्या हो गया, अब एक पार्ट आ गया इटली का उनके पास। तो उन्होंने इटली का क्या किया था, नॉर्दर्न हैब्सबर्ग को ही क्या किया था, अपने पास लाया था। और बाकी का ये दोनों में से देखो मिडल जो पार्ट था, ये जो पार्ट था मिडल का, ये क्या हुआ था, ये खुद ही छोड़ के चले गए थे। वो डर के चले गए थे कि इटली अगर, मतलब अभी क्या हो रहा है, अभी सब लोग, मतलब अभी रिवॉल्यूशनरी आ रहे, तो इनके ऊपर हमला करने से अच्छा ये खुद ही छोड़ दिया, इन लोग ने खुद छोड़ दिया। और ये हमें किसी, मतलब कि देखो गुजीपी हैं, उन्होंने क्या किया, इस एरिया को उन्होंने कैप्चर किया, मतलब कि इस एरिया को उन्होंने बदला। तो यही था हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब देखो एग्ज़ाम में आपको अगर 2 मार्क्स का पूछा रहेगा, तो देखो जिस, जैसे मैंने एरो किया इधर, तो एरो जो मैंने किया है वो मेन पॉइंट्स का, ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। और जिधर एरो नहीं किया हो, अगर वो पॉइंट्स आप लिखोगे नहीं तो भी चलेगा, लेकिन मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 5 मार्क्स का है तो आपको सब लिखना पड़ेगा, अगर 3-4 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, तो आपको 4 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो यही था हमारा क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।